हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं एनके और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो चल रहे हैं 7 मार्च से, उसमें सेंधमारी हुई है और उसमें कई लोगों को पकड़ा गया है। पूरा एक सेंटर इंस्टीट्यूट है वो उसमें शामिल था। यानी कि गलत लोगों ने, बुरे लोगों ने, जिनकी मानसिकता बुरी है, उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी नहीं बख्शा। यानी कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और इसका सबूत कल पुलिस को मिला और अखबार में न्यूज़ आई और पूरे इंस्टीट्यूट की जो सेंटर को निरस्त कर दिया गया है। मैं आपको वो बंदे दिखाता हूँ जो इस ऑनलाइन सेंधमारी में शामिल थे, कैसे ये पूरा गिरोह चलता था और कैसे ये चिटिंग हैक करते थे। आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कि इस तरह से ये लोगों को ठग के उनको चिटिंग करवाते थे और पैसे लेते थे और सारा जो काम है वो कैसे करते थे। ये वो बंदे हैं दोस्तों जो इस चिटिंग में, ऑनलाइन चिटिंग में शामिल थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो बंदे हैं जो ऑनलाइन चीटिंग में शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, ये बंदे हो जो ऑनलाइन चीटिंग में शामिल थे। तो इन बंदों ने मिलके ये इस पूरे अंजाम को, पूरे काम को अंजाम दिया है। ये बंदे थे, इनको पुलिस ने कल पकड़ लिया है। क्या कैसे ये हैक किया इन्होंने, सब मैं आपको पूरी डिटेल है दोस्तों बताता हूँ। चलिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए पहली बार आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में नकलची गैंग ने सेंधमारी कर दी। इस हाई प्रोफाइल गैंग ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सातिराना तरीके से नकल करवाई है। खुद एक परीक्षा केंद्र के संचालक इस गैंग के मास्टरमाइंड बने, जिन्होंने अभ्यर्थियों से संपर्क कर उनको नकल करवाने का रातों रात इंतजाम किया। इसी बीच इनकी भनक पुलिस मुख्यालय को लग गई, तब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओ यूनिट टीम सक्रिय हुई और ये सातिर गैंग के एक मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कल एसओजी के आईजी दिनेश एनएम ने बताया, गिरफ्तारी आरोपी विकास मलिक, ऐसे करके 6 आरोपी हैं, इनको पकड़ा जा चुका है, जिनका नाम है, ये अदर स्टेट के हैं, राजस्थान के नहीं हैं। और इसके अलावा सरस्वती इंस्पोटेक्स इंस्टीट्यूट कंपनी के 2 पार्टनर कपिल और मुख्तार फरार हो गए। इनकी तलाश में पुलिस टीमें भेजी गई। वहीं गैंग से संपर्क कर नकल करने वाले 12 अभ्यर्थियों को भी, यानी स्टूडेंट को भी नाम दर्ज है, उन पर FIR दर्ज की गई है। यानी भविष्य में वो कभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इन 3 महीने पहले ये इंस्टीट्यूट शुरू हुई थी जयपुर के अंदर। IG दिनेश MN ने बताया कि 7 मार्च से शुरू हुई इस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान के करीब 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें से जयपुर के मालवीय नगर इलाके में अपेक्स सर्किल के पास एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सरस्वती इंफोटेक इंस्टीट्यूट, जो 3 महीने पहले शुरू हुई थी। इसमें जो एपटेक कंपनी जिसको OMU किया गया था एग्जाम के लिए, उसने इस सेंटर को चुना था कि यहाँ पर भी एग्जाम होना है। यहाँ पर 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी दोस्तों, और इन 300 लोगों में से कुछ लोगों को, यानी कि पेपर के नकल और परीक्षा पेपर बताने का आश्वासन देकर उनसे 2 से 4 लाख रुपए में सौदा तय किया गया। पूछताछ में सामने आया कि इंस्टीट्यूट संचालकों ने हाईटेक नकल के लिए इंस्टीट्यूट के नजदीक एक गेस्ट हाउस किराए पर लिया था। इसके बाद परीक्षा केंद्र में लगे कंप्यूटर सर्वर को वायरिंग करके इंस्टीट्यूट की छत, जो इंस्टीट्यूट है ना, उसकी छत पर लगे एंटीना से कनेक्ट कर दिया गया। वहीं होटल की छत पर राउटर और अन्य उपकरण लगाए गए। उन्होंने होटल में ही लैपटॉप, अन्य उपकरणों के साथ प्रश्न पत्र हल करने वाले एक्सपर्ट को बिठा दिया। अब कैसे हैक करते थे देखो ये, यानी कि जो ही पेपर स्टार्ट होता था, सर्वर शुरू होता था, तभी एक टेक्निकल कर्मचारी एक पेन ड्राइव को सर्वर में लगाकर उसे हैक कर लेता था। इंस्टीट्यूट के कर्मचारी भी उसमें मिले हुए थे। इससे वही स्क्रीन होटल में बैठे नकल करवाने वाले व्यक्ति के पास खुल जाती थी और वह वहीं बैठकर पेपर सोल्व करता, जबकि अभ्यर्थी पेपर सोल्व करने का नाटक करता था, दूसरों को यह लगे कि पेपर सोल्व कर रहा है। इस तरह इस गैंग ने अन्य अभ्यर्थियों को भी नकल करवाई। इसकी शिकायत पुलिस मुख्यालय में तैनात IG कार्मिक संजीव नाजरी को लगी। उन्होंने SSG टीम का गठन किया और निगरानी की, तो बात सही निकली। ये बात उड़ी थी दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ये बात लीक हुई थी, लेकिन तब उस समय कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब है वो इस पर सख्त कार्रवाई हो गई है। और अब इस परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया गया और 13 से 17 मार्च तक यहाँ पर जिन स्टूडेंट के पेपर होने थे उनको अलग सेंटर आवंटित किया जाएगा। ये पूरा खुलासा हुआ है दोस्तों। तो अब रही बात कि पेपर निरस्त होगा या नहीं होगा, हैं, वहाँ पर जिनका एग्ज़ाम हो रहा उनका क्या होगा, क्या सारा पेपर निरस्त होगा? नहीं दोस्तों, उस सेंटर पर जो एग्ज़ाम हुए थे वो ही केवल निरस्त हो सकते हैं। अन्य सेंटरों के एग्ज़ाम जारी रहेंगे, पूरी भर्ती वो निरस्त नहीं होगी। और जिन्होंने ये 13 से 17 मार्च तक जो आगे पेपर हैं उनके दूसरे इंस्टीट्यूट में उनके पेपर करवा दिए जाएंगे, और बाकी जो जिनके पहले पेपर हुए थे जिसमें चीटिंग हुई है उनका पेपर निरस्त हो सकता है केवल इसी सेंटर का।
और जिन बच्चों ने चीटिंग की उनके नाम दर्ज, उनकी FIR दर्ज हुई, उन पर कार्रवाई, भविष्य में कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी और आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, बिल्कुल इसमें रद्द होने वाली कोई बात नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। चलो देखते रहिए टेक वर्ल्ड। जय हिंद।